आए दिन हो रही दुर्घटना देना पड़ सकता है बड़ा खामियाजा। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। ताजा खबरों में आपको बता दें कि फर्रुख नगर खंड के गांव ताजनगर के बाबा मानसा राम मंदिर में जमालपुर चौक तक जो सड़क का टुकड़ा बचा हुआ है उसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है, जहाँ हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति गिर कर चोटिल हो रहा है। जमालपुर से ताजनगर फ्लाईओवर तक का जो टुकड़ा है वो इस नए रोड प्रोजेक्ट में नहीं होने के कारण इसका पंचगांव से फर्रुख नगर तक के बने नवनिर्मित रोड के साथ निर्माण नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसका पहले निर्माण हो चुका था। इसकी समय अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, इसी कारण यहां पर बारिश या आसपास के खेतों से पानी आता है व इस रोड पर जमा हो जाता है, जो दुर्घटना का कारण बनता जा रहा है। बीती रात ट्रक और सुबह मोटरसाइकिल रोड पर खड़े ज्यादा होने के कारण दुर्घटना का शिकार बनी। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जो आप देख रहे हैं, यह हादसा बीती रात का है। रोड की दशा ठीक न होने के कारण दुर्घटना का कारण बनता जा रहा है। इसी को लेकर गांव ताजनगर के सरपंच शिवताज ने पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता को भी इस टुकड़े के बारे में शिकायत की थी। इस टुकड़े को इसी रोड पर लगवाकर इसका निर्माण करवाया जाए ताकि दोनों का काम बराबर हो जाए, लेकिन मौजूदा सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया। गांव जमालपुर चौक से बाबा मनसाराम मंदिर ताजनगर तक का जो टुकड़ा बचा हुआ है यह बारिश में पानी से बिल्कुल लबालब भरा रहता है, क्योंकि गाँव जमालपुर का भी पानी ताजनगर की तरफ ढलान होने की वजह से सारा पानी बाबा मनसाराम मंदिर तक पहुँच जाता है, जो कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनता जा रहा है, जिससे आए दुर्घटना होती रहती है। शायद सरकार व उसके अधिकारी किसी बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे हैं, जो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। गांव ताजनगर के सरपंच शिवताज का कहना है कि यह दुर्घटना का बना हुआ मुख्य कारण सड़क पर बने हुए गड्ढे हैं, जिसका मुख्य कारण गांव जमालपुर से आने वाला पानी है, क्योंकि जमालपुर चौक से बाबा मनसाराम मंदिर तक झील होने की वजह से सारा पानी इसी रोड पर आकर जमा हो जाता है। इसी को लेकर जिला गुरुग्राम DC निशांत कुमार तथा फर्रुख नगर थाना प्रभारी को भी लिखित शिकायत सरपंच के माध्यम से दिया हुआ है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस समस्या को लेकर PWD विभाग को भी सरपंच के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इसकी पानी की निकासी की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए।